हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से। सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से इस बार ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें 320 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। सेल की तरफ से इस बार 10th एंड 12th पास करने वाले भी एप्लीकेशन कर सकते। किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताएंगे। सेल की तरफ से इस बार की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन निकल के आया है, इसमें आप लोग किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताएंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस बार कोई भी फीस या कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा। सेल की तरफ से इस बार की सबसे बड़ी जो भर्ती निकल के आ चुका है, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। हर बार की तरह सेल की एप्लीकेशन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आपका एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इस पर 302 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इस पर की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो अप्रेंटिस के इस पोस्ट के अंदर किस तरह से एप्लीकेशन करना है, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। इस बार कैंडिडेट एप्लीकेशन करने के लिए इंडियन सिटीजन एंड आईटीआई कंप्लीटेड कैंडिडेट चाहिए, जो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। 10th और ITI पास करने वाले यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। एंड इस बार जो सेल की तरफ से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम या कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा। एप्लीकेशन करने वाले के जो एज क्राइटेरिया है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन 18 एंड मैक्सिमम 28 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप लोग SC ST OBC PWD EWS कैंडिडेट है, तो आप लोगों को यहाँ पे एज सिलेक्शन भी मिल जाएगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते, यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह से आपका एप्लीकेशन जो है कर सकते एंड एज सिलेक्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, चलिए बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन के अंदर 50 वैकेंसीज है, फिटर के लिए 52, रिगर के लिए 25, टनर के लिए 19, मैकेनिस्ट के लिए 20, वेल्डर के लिए 50, कंप्यूटर के लिए 31, रेफ्रिजरेशन के लिए 30, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 4, प्लम्बर के लिए 8 एंड ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 13 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे 302 टोटल वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट आर इक्वली एलिजिबल एंड बोथ कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हो, क्लियरली मेंशन किया गया है सिलेक्शन प्रोसेस। ITI पास करने वाले के जितने भी परसेंटेज मार्क्स हुआ है, उसके ऊपर बेस करके एक मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा, जिसका लास्ट डेट दिया गया है 19th March 2024 तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। जितने भी कैंडिडेट है, वो लोग 19th मार्च तक आप लोग एप्लीकेशन आपका भेज सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए एक स्टाइपेंड दिया जाएगा, एंड ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ लिंक, जहाँ से आप लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, कास्ट प्रूफ सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सब कुछ लेके एप्लीकेशन करना होगा। जो स्टाइपेंड और सैलरी आपको दिया जाएगा, वो 7000 to 7700 तक दिया जाएगा। अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, नीचे दिया हुआ लिंक को जाके क्लिक करके एप्लीकेशन आपको भेज सकते हो। जो ऑफिशियल लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आपका एप्लीकेशन भेज सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।